आइए एक बहुत लंबा गीत हनुमान का मैं करता हूँ, लेकिन केवल हनुमान जी का चित्र बनाऊ, तब तक मेरी इच्छा बिना हनुमान के राम भी, राम जी चले ना हनुमान के बिना, और दुनिया चले ना श्री राम के बिना। सभी से अनुरोध करूंगा पीछे से उठकर खड़े होकर बिल्कुल बगल तक आ जाइए मेरे साथ में, हम झूमते हुए हनुमान का चित्र बनाएंगे, गीत गाएंगे। सभी अपने स्थान से उठकर खड़े होकर, अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाइए, और बिल्कुल आप आगे तक आ सकते हैं, हम सब झूमते हुए, आप कोई छोटा नहीं कोई बड़ा। क्या चीज, अभी फूल दे देते हैं, हनुमान जी बन जाए उसके बाद में। तब तक के लिए सभी से अनुरोध करूंगा उठ के आगे तक आ जाए, और हम हनुमान जी के लिए हम सब मिलकर गीत गाएं। हनुमान जी को कहा जामवंत ने, अपनी शक्ति को याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, विद्युत से गति विद्युत गति है तुम्हारी केशरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को, दुनिया की दंग देख तुम्हारी उड़ान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को, तुमने हिला के रख दिया था आसमान को, आकाश तुम्हारे लिए था एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, एक अखाड़ा, जिसमें भी मिटक कर उसे पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा, पल भर में पछाड़ा, बिजली की तरह लपके तो सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, सूरज की तरफ तुम, मुखड़े में दीवा कर को छुपा करके किया गुम, दीवा कर को किया गुम, दीवा कर को किया गुम, तुम खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, खा गए धधकता हुआ अग्नि का गोला, ताकत तुम्हारी देख के ब्रह्मांड का डोला, हनुमान जी ओ, हनुमान जी कहाँ गई वो शक्ति विलक्षण, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन। नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, ललकारने लगा, एक नया दुश्मन तुम्हें ललकारने लगा, ललकारने लगा, ललकारने लगा, आंखें दिखा के शेखिया बघारने लगा, बघारने लगा, बघारने लगा, उसको बीमारी लात तुमने बात बात में, हाँ बात बात में, हाँ बात बात में, पापी को किया मात तुमने बात बात में, हाँ बात बात में, हाँ बात बात में, जब राह में आहार तो फिर इंद्र भी आया, इंद्र भी आया, इंद्र भी आया, झुंझुला के उसने तुम पे अपना वज्र चलाया, फिर अंत में सब हो गया झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया, झगड़ों का सफाया, सब लोगों ने मिलकर तुम्हें वज्रांग बनाया, है आज कसौटी, है आज कसौटी तुम्हारी केशरी नंदन, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, 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 तुम शक्ति पुंज हो किसी से डर नहीं सकते, डर नहीं सकते, एहसान कोई काम जो तुम कर नहीं सकते, हाँ कर नहीं सकते, हाँ कर नहीं सकते, उठो छलांग मारो,
बजरंग बली, ओ बजरंग बली, ओ बजरंग बली, ओ बजरंग बली, चलो बजरंग बली, ओ आकाश को ललकारे बजरंग बली, ओ बजरंग बली, चलो बजरंग बली, भीषण स्वरूप धारो बजरंग बली, ओ बजरंग बली, चलो बजरंग बली, ओ बजरंग बली, चलो बजरंग बली, विराट हनुमान पहुंच गए थे लंका, सीता को खोजा नहीं राम ने, हनुमान ने, और बाद में वही हनुमान जो कह रहे थे मैं क्या कर सकता हूं, उसी हनुमान में जब राम ने कहा था कि मैं क्या करूं, समुद्र को पार नहीं कर सकते, वाल्मीकि रामायण का कथन है, मेरा भी नहीं है ये, तो हनुमान ने कहा एक काम करो, दिक्कत नहीं है, अगर रावण को ही मारना तो मैं जामवंत, मयंद, नल नील, दो लोगों को नाम जो मेरे स्मरण से निकल रहे हैं, बोले हम आठ लोग जाते हैं और हम ही जीत के लिए आएंगे, फिर अगर ऐसी बात है तो मतलब कोई हम समुद्र को तैर कर ही चले जाएंगे अगर ऐसी दिक्कत है, इतनी ताकत जो एक साधारण समाज कहता था, और ये ऐसी स्थिति नहीं आई है, जब देश कभी गुलाम पड़ा था तब भी देश कहता था मैं क्या कर सकता हूं, इतने बड़े अंग्रेज मैं कैसे लड़ूंगा, लेकिन तब भी हनुमान की तरह कुछ लोग खड़े हुए थे, कोई जामवंत की तरह समाज को जगाने वाले लोग थे जिन्होंने कहा था तुम सामान्य नहीं हो, और हमारे समाज में कोई सुभाष चंद्र आया, कोई भगत सिंह आया, कोई लक्ष्मीबाई बनकर पैदा हुए और इस देश को आजाद कराया। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो शक्ति तब थी वो अब भी खत्म, वो बुद्धि जिसने अतीत में ज्ञान का दीप जलाया, वो बुद्धि जिसने भारत को जग सिरमौर बनाया, नहीं हुई है लुप्त, मनों में सुप्त पड़ी है भाई, सूरज से अंगारों पर जो राग का बादल छाया, इस राग के बादल को हटा दें तो हो सकता है जैसे हनुमान जैसे हमारे अंदर कोई जाग जाए। आइए उस हनुमान को जगाने की साधना, ये राम, ये उसी हनुमान को ढूंढने के लिए है। और मैं कहता हूं कि राम तब थे, राम अब थे, एक चौपाई अवश्य मेरे साथ गाइएगा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, राम के नरसिंह बनकर भी राम पैदा हुए थे, राम बनकर भी राम आए, कृष्ण बनकर भी वही राम आए, चाणक्य बनकर भी वही राम थे, चंद्रगुप्त में भी वही राम थे, कभी महाराणा प्रताप के रूप में अगर पैदा हुए तो वही राम पैदा हुए, शिवाजी के रूप में वही राम, और अंग्रेजों से लड़कर उनको वापस लंदन का रास्ता दिखाने वाले भी वही राम। और कहना चाहिए आज भी समाज में कहीं कोई काम करता मिल जाए समाज सेवा का, तो मान लेना राम ने शरीर त्याग नहीं किया, राम भी आज मौजूद हैं, शरीर अलग हो सकता है लेकिन राम की आत्मा तो वही है, राम की दिव्यता तो वही है। उस आज के राम को ढूंढने का प्रयास करें, तभी जाके हमारे सबके मन के अंदर राम बैठ पाएंगे। आइए और उत्साह से, यह सोचकर नहीं कि समाज में क्या होने वाला है, निराशा से क्यों देखें, अगर निराशा ही चाहिए थी तो राम की आवश्यकता ही, हम तो कहेंगे राम राज्य लेकर आएंगे, क्योंकि राम राजनीति रावण राजनीति नहीं है, समाज में जब भी गड़बड़ी होगी तो उसका इलाज भी, अगर हमने राम को नहीं जगाया तो राम कहीं और पैदा हो जाएंगे, राम केवल हमारी मोहताज नहीं है, राम हमारी दया के मोहताज, अगर हमने देश को लड़ने के लिए व्यक्ति नहीं दिए तो कहीं किसी जंगल में पैदा हो जाएंगे, अगर दिल्ली ने भगत सिंह पैदा नहीं किया तो कोई पंजाब पैदा कर देगा, अगर हमने किसी आर्यभट्ट को पैदा नहीं किया कोई जंगल कर देगा, अगर ये बाबा सत्यनारायण मौर्य भी जीत नहीं गाएगा तो कोई और, कोहली जी का आभार करूंगा उन्होंने रामायण लिखी, लेकिन अगर वो भी नहीं लिखते तो कोई और, परमात्मा अपना काम अंततः किसी न किसी माध्यम से करवा लेता है। हम निमित्त बनने को, एक बार अपने मन को अयोध्या का निमित्त बना ले, हमारे मन में राम अवतार ले सकें, बाहर की अयोध्या तभी सुरक्षित रह सकती है जबकि हमारे मन की अयोध्या में फसल उगती रहे। और जब राम लौटकर आए अयोध्या में रावण को जीतकर, तमाम अपने वनवासी मित्रों को साथ लेकर आए, वापस वनवासी मित्रों से मिलकर आए, और एक बार अपने मन में उस भावना को लेकर जाइएगा कि राम वापस आ चुके हैं, राम राज्य तो आना ही हे, राम राज्य अवश्यंभावी, राम आने ही वाले हैं, जरूरी है, अगर हम साथ गए तो बंदर के रूप में सौभाग्य प्राप्त करेंगे और घर बैठ गए तो घर बैठे रह जाएंगे, जैसे अयोध्या वाले घर बैठे रहे, बंदरों ने जीता दिया, दिल्ली वाले अगर इस काम को नहीं करेंगे तो कोई और वाले कर लेंगे, कलकत्ता वाले कर लेंगे, या गांव वाले खुद अपना निपट, छोटे से छोटे गांव में आज मिशनरी के खिलाफ लोग उठकर खड़े हैं, आतंक के खिलाफ खड़े हैं, उल्फा के खिलाफ भी खड़े हैं, लोग जी रहे हैं, कश्मीर में भी जी रहे हैं, जम्मू में भी खड़े हो गए, दिल्ली वाले तो वहां नहीं गए थे, जहां
आतंक पैदा होगा, वहां पर आतंक के खिलाफ जागृति भी आ जाएगी। लेकिन हमारा कर्तव्य, हम तो समाज को जगाने का प्रयास करें, इस जगाने के लिए जहां जहां तक जिसकी जो श्रद्धा हो, तन से, मन से और धन से, जैसे मैंने पहले बताया भारत भक्ति संस्थान की स्थापना हुई है, चित्र मौजूद है, मैं आता रहूंगा। मेरी केवल एक इच्छा है कि जो हम काम करें इस प्रकार करने वाले, भाई राजेश जी ने कविता पढ़ी, ये भी राम का ही काम, गजेंद्र जी भी हैं, सभी यहाँ पर जो बड़े बड़े साहित्यकार लोग हैं, प्रेम जी भी लिख रहे हैं, ये सब भी राम का ही काम। इस प्रकार के काम आगे बढ़ता रहे, अच्छे साहित्यकारों को आगे बढ़ने का मौका मिले, कोई नई चीज आए उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, कोई नया साहित्य प्रकाशन हो उसको प्रकाशन का मौका। पिछले दिनों कवि संगम का जो बड़ा कार्यक्रम हुआ था, पूरे देश से हमने कवि बुलाए थे, तब इच्छा हुई थी इन कवियों की किताब भी निकलना, क्योंकि उन कवि की किताब कौन निकलाएगा, उन्होंने किसी सरकार की वंदना नहीं लिखी। श्री कृष्ण सरल जैसा एकमात्र दुनिया का व्यक्ति जिसने 9 महाकाव्य लिखे, उसको ना महाकवि का दर्जा मिला, ना उसी किताब सरकार ने छापी, क्योंकि उसने केवल क्रांतिकारियों पर लिखा, मैं चारण हूं उन वीरों का जिनके गीत सुनाया करता हूं, और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया मैं उसे चुकाया करता हूं। तो चुकाने वाले श्री कृष्ण सरल जी किताबें नहीं मिली, मेरे मन में इच्छा थी उनकी किताबें छपे, पुनर्छपे। अभी सात वलेकर जी की रामायण देख रहा था, उसको भी छापने की इच्छा छपे। ऐसे प्रकल्प के लिए आप जिस प्रकार सहयोग करना चाहें, तो यहाँ पर माननीय जगदीश जी मौजूद है, राजेश जी मौजूद है, सभी। जब राजेश जी मुझसे बोल रहे थे बाबा जी कार्यक्रम कैसे करना है, मैंने कि ये कार्यक्रम तो कर लो इसमें तो क्योंकि मैं जानता हूँ छोटे छोटे कार्यक्रम में सहयोग की आवश्यकता। अगर मैं अकेला आकर गीत चला जाता, गाकर चला जाता, बात अलग है, लेकिन जब मिलकर काम करें, अगर घर पर एक दीपक जलाना हो तो उसमें मेहनत की जरूरत नहीं है, लेकिन जब समाज को दिखाने के लिए दिवाली मनाए तो कई दीयों की जरूरत, और उसके लिए कई महीनों का बजट बिगाड़ के दिवाली, तो ये तो खैर एक कार्यक्रम है। लेकिन ऐसे कार्यक्रम चलते रहें, मुझसे अच्छे कई सारे गाने वाले जो वो गाते रहें, या इस प्रकार के कभी प्रवचन होते रहें, लेक्चर होते रहें, जिनमें हम राम के जीवन को वास्तव में सामने ले जा पाएं। छोटी सी किताब आपके सामने एक आई हुई है, भारत भक्ति उद्घोषा भी एक दो महीने पहले अपने प्रारंभ करने का प्रयास किया है, ये पुस्तक भी हम चाहेंगे इस प्रकार की चीज़ें चलती रहे। तो इन सब में जो भी आप सहयोग कर पाएँ वो करने का प्रयास कीजिए, और समय अगर दे पाएँ तो शायद इससे बढ़कर तो कोई भी चीज़। मैंने जैसे बताया, राम जब हनुमान से मिले तो राम ने अपनी जेब से कुछ भी ढीला करके, और वनवासी को आवश्यकता भी नहीं थी, केवट को जब राम ने पैसा देना चाहा तो केवट ने हाथ ऊंचे कर दिए, बोले अभी नहीं चाहिए, बोले कब चाहिए, बोले तभी लूंगा ब्याज समेत। तो ये कुछ काम ऐसे होंगे शायद जिनमें, क्योंकि मेरे साथ कई बार नाम जुड़ने में तो लोग डर भी लगता है, बाबा के साथ नाम जुड़ गया अब क्या होगा, क्योंकि नाम जुड़ना भी कई बार खतरनाक हो जाता है। लेकिन मैं चाहूंगा इतनी आप सब में प्रेरणा रहेगी, आइए हम सब तालियां बजाते हुए, झूमते हुए, राम के गीत गाते हुए, राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा है, इस भावना से। हर्ष सागर में डूबावत धाम रे, राजा बन कर रे राज प्रभु राम रे, राजा बन कर राज प्रभु राम रे। हर्ष सागर में डूबावत धाम रे, राजा बन कर रे राज प्रभु राम रे, राजा बन कर रे राज प्रभु राम रे। हर्ष सागर में डूबावत धाम रे, राजा कर सभी जितने हैं झूम कर तालियां से एक बार, हम ये मानकर हम गा रहे हैं, और अभी जितने मुख्य अतिथि यहाँ पर आगे पीछे सब बैठे हुए हैं, कुछ लोग मंच पर आए। अब मैं चाहूंगा जितने कार्यकर्ता साथ जुड़े काम करने वाले हैं वो सब, राजेश या हमारे जितने मित्र हैं, माधुरी जी, अमिताभ जी, विनय जी, विपिन जी, सभी लोग झूमते हुए मंच पर भी आ सकते हैं। आइए समापन मस्ती में करें। राजा बन कर बे राज प्रभु राम रे, ओ राजा बन कर बे राज प्रभु राम रे। हर्ष सागर में डूबावत धाम रे, राजा बन कर राजे प्रभु राम रे, बन कर राज प्रभु राम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे। पहले खिले थे न कभी इतने सारे फूल, सोंधी सोंधी इतनी महकी थी न कभी धूल। पहले खिले थे न कभी इतने सारे फूल, सोंधी सोंधी इतनी महकी थी न कभी। सभी बाकी लोग भी जो मंच पर हमारे संरक्षक बनकर आए थे, जिनको मंच पर बुलाया था, सभी सत्येंद्र जी, सुंदर जी, सभी मंच पर, सबको चाहूंगा आइए जहाँ खड़े हैं वहाँ। अनिल जी, हम जहाँ खड़े कितने लोगों में मस्ती में हो, मस्ती में हो, झूमते हुए हो, नाचते हुए हो, गाते हुए भी
राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे, राजा बन राम रे राज प्रभु राम रे, राम रे राम रे राम रे राम रे। पहले खिले थे न कभी इतने सारे फूल, पहले खिले थे न कभी इतने सारे फूल, सोंधी सोंधी इतनी महकी थी न कभी धूल, सोंधी सोंधी इतनी महकी थी न कभी धूल। त्रास जिन ग्रहों ने दिया 14 बरस तक, त्रास जिन ग्रहों ने दिया 14 बरस तक, अवध के लिए वे सभी हो गए अनुकूल, अवध के लिए वे सभी हो गए अनुकूल। जैसे पंछी ने पाया विश्राम रे, राजा बन कर दी राज प्रभु राम रे, राज प्रभु राम रे राम रे राम रे राम रे राम रे राम रे। राम ब्रह्म राम जीव राम ही काया, राम ब्रह्म राम जीव राम ही काया। मैंने बताया कोई अंतर नहीं है, जब हम संघर्ष करते हैं यही मिलिट्री जो बाद में स्वीकार कर ले गई अंग्रेजों के टाइम भी यही मिलिट्री पहले कष्ट देती है बाद में यही फायदा देती है। आज किसी पार्टी की सरकार है तो तमाम अफसर और पुलिस मिलकर दूसरी पार्टी के गुंडों दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटते हैं, और जब उस पार्टी की सरकार आ जाती है तो वो तमाम फिर तो जितने ग्रह होते ऐसे होते हैं। जैसे मैंने कहा त्रास जिन ग्रहों ने दिया 14 बरस तक, अवध के लिए वे हो गए सभी अनुकूल। ये हमने जब कार्यक्रम किया बात हुई एक अच्छा कार्यक्रम करना प्रारंभ कर दो, तो इनने राजा जी ने कहा सही टाइम देख लो। तो मैंने कहा सही टाइम का क्या मतलब? बोले कोई मुहूर्त देख लो, किस दिन अच्छा है, कौन सा शुभ दिन है। तो मैंने एक ही बात कही, जब राम वापस लौट कर आ गए और बात हुई तैयारी, बोले राम का राज तिलक करो, बोले करो। तो लोगों ने कहा मुहूर्त निकालो, तो वशिष्ठ जी के पास गए, बोले राम का राज तिलक करना है मुहूर्त निकालो। तो वशिष्ठ जी ने कहा मैंने एक बार निकाल लिया था, मैं वो ही वशिष्ठ हूं, और एक बार बहुत सोच समझ के निकाला, बेचारा बाप मर गया, छोरा जंगल चला गया, ये पत्नी चोरी चली गई, 14 साल तक भटकते फिरे, अब मैं नहीं निकालूंगा। तो बोले सही समय कौन सा राज तिलक का? बोले जिस समय कर दो वही सबसे अच्छा। तो देशभक्ति जगे, हम में रामत्व जगे, इस देश का काम प्रारंभ हो, इसके लिए समय कब से आज से अभी से, तो आइए झूम के। राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे। हर्ष सागर में डूबा अवध धाम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे राम रे राज प्रभु राम रे। राम ब्रह्म राम जीव राम ही काया, राम ब्रह्म राम जीव राम ही काया, ये सारा संसार राम की माया, ये सारा संसार राम की माया। भूख भय शोक का है कष्ट ना किसी को, भूख भय शोक का है कष्ट ना किसी को, सब पर है राम राज के सुख की छाया, सब पर है राम राज के सुख की छाया। श्रद्धा भक्ति से करो सब प्रणाम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे, राम रे राम रे राम रे राम रे राम रे, राम रे। पहले किले थे न कभी इतने सारे फूल, पहले किले थे न कभी इतने सारे फूल, सौंधी सौंधी इतनी महकी थी न कभी फूल, सौंधी सौंधी इतनी महकी थी न कभी फूल। त्रास जिन ग्रहों ने दिया 14 बरस तक, त्रास जिन ग्रहों ने दिया 14 बरस तक, अवध के लिए वे सभी हो गए अनुकूल, अवध के लिए वे सभी हो गए अनुकूल। जैसे पंथी ने पाया विश्राम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे, राजा बन कर दे राज प्रभु राम रे राम रे राम रे राम रे राम रे राम रे।
भाई अगर राम का समापन हो तो राम का समापन राम के नाम से कर दिया जाता है, लेकिन मैं राम का समापन राम के नाम से भी करना नहीं चाहता, क्योंकि केवल राम ही राम बन जाए और देश वहीं का वहीं पड़ा रहे तो राम की आवश्यकता हमको। राम इसलिए महान थे कि राम ने पूरे देश को साथ लेकर काम किया। राम ने बाली ने रावण को मारा था, बहुत सरलता से मारा, पटक पटक कर मारा, लेकिन उसके बाद ही बाली का नाम पूछ, क्योंकि बाली ने केवल अपने अहंकार की तुष्टि के लिए मारा, लेकिन राम ने भले ही मुश्किल से मारा लेकिन राम का नाम पूज्य है, क्योंकि राम ने जनता के कल्याण के लिए मारा। राम से सीख भारत को भी लेना चाहिए और राम से सीख अमेरिका को भी लेना चाहिए। रावण को मारा लेकिन वह खूंटा नहीं गाड़ा, राम वहीं का राज वहीं देकर आ गए। राम का तो ऐसा था। और एक बात और कहूं, राम की योजना अगर पैदा करना है तो एक दिन में तो राम पैदा, राम को जादू मंत्र नहीं है। राम के पैदा होने पहले 5 पीढ़ियों ने काम किया, एक पूरी पीढ़ी श्रम का काम करती रही, गंगा को धरती पर लाने का इंजीनियरिंग वर्क करती रही, एक पूरी पीढ़ी चली गई इस काम में, एक पीढ़ी पूरी चली गई गोरक्षा के काम में, एक पूरी पीढ़ी सत्य की रक्षा करते चली गई, हरिश्चंद्र की पीढ़ी, रघु की पीढ़ी अलग काम करते चली गई, दिलीप की पीढ़ी ने गोरक्षा में पूरा समय दे दिया, भगीरथ की पूरी पीढ़ी श्रम कार्य करते मर गई, दशरथ के टाइम की पूरी पीढ़ी ने राज्य विस्तार का काम किया। ये कई पीढ़ियों की साधना के बाद राम पैदा हो पाते हैं। चिंता ना करें, हम राम बनेंगे। हम नहीं बन पाए तो हमारी संतान बनेगी, अगर हमारी संतान भी नहीं बन पाई, कुछ दिन और रावण राज्य झेलना पड़ा, तो संतान की संतान तो राम बनेगी, वह नहीं बनी तो 5वीं पीढ़ी में तो राम पैदा ही होंगे। आज नहीं, राम की साधना भी नहीं, युगों युगों की साधना है। मैंने बताया जटायु के हाथों से चिता जाते हैं, हम वो काम प्रारंभ कर दें। मैं चाहता हूं राम का भी कार्य का समापन हो, क्योंकि राम की वंदना करूं, कृष्ण की वंदना करूं, शंकर के गीत गाऊं, या गंगा की उपासना करूं, या राम कृष्ण जैसे हजारों लालों को पैदा करने वाली भारत माता के साथ समापन करूं। अगर भारत माता जिंदा रही तो हजारों राम पैदा हो जाएंगे, हजारों कृष्ण, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। आइए बहुत संक्षिप्त में भारत माता की आरती गाते हुए, क्योंकि राम का कीर्तन करें लेकिन आरती तो भारत माता की आरती होना चाहिए। हमारी तमाम भक्तियां मिलकर राष्ट्र भक्ति बन जाए। हमारी भक्तियां अगर भक्ति रही तो कुचल दी जाएंगी जैसे कुचली गई। नाम बहाना बाबर का हो सकता है, बहाना रावण का हो सकता है, लेकिन कोरी भक्ति रही तो कुचल दी जाएगी। जब तक हम तुम्हारी तमाम भक्तियां मिलकर भारत भक्ति ना बन जाए तब तक हमको भी चैन ना मिले, ऐसे मन में संकल्प लेते हुए आइए बहुत संक्षिप्त में, बहुत सरल में, आगे से लेके पीछे तक, क्योंकि भारत माता तो सबकी, वो तो हमारे राम की भी माँ है, मेरी माँ की भी। और जो मैं बता रहा था ग्रहों की बात करके, मैं बहुत पहले अपना वो देखता था जन्म पत्री, तो एक दिन अखबार में अपनी जन्म पत्री देख रहा था तो मेरे पिताजी ने मुझे डांटा, बोले तू क्यों देख रहा है जन्म पत्री? तो मैंने कि मेरे को ग्रह लगे तो देखूंगा कौन सा। तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बात कही, मेरे पिताजी साधारण से स्कूल के टीचर, ने इतनी अच्छी बात कही, बोले तेरे को ग्रह देखने की जरूरत नहीं। मैंने कि क्यों? बोले तुम्हारे ऊपर तो छाया है। तो मैंने कहा मेरे ऊपर छाया? बोले हम है। तो जब तक बाप बैठा तब तक बेटे को ग्रह, आप खुद कल्पना करो आपकी गोदी में बेटा बच्चा बैठा, उसको शनि लग गया तो उसका उसके बाप का क्या जाना, माँ का टेंशन है रात रात भर जगेगी। तो जब तक हमारे ऊपर छत्र होता है तब तक हमको टेंशन, इसलिए जिनके माँ बाप है उनके ऊपर तो छाया, और जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था कर दी कि जा तेरी अगर कोई माँ नहीं है तो ये देश तेरी माँ है, ये दुर्गा तेरा कोई बाप नहीं है तो परमात्मा हमारा बाप। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सदा तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सके ना वो फूल हम है तुम्हारे चरणों, जो फूल
तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा, बरसा दो माँ कृपा। युग युग से बहते आए तेरी ममता के धारे, युग युग से बहते आए तेरी ममता के धारे, संतों के संग मैया तूने पापी भी है तारे, संतों के संग मैया तूने पापी भी है तारे। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा, बरसा दो माँ कृपा। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा, बरसा दो माँ कृपा। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा, बरसा दो माँ कृपा। सुत तेरे हैं वीर तपस्वी ज्ञानी और विज्ञानी, तेरी महिमा युग युग से गाती ऋषियों की वाणी, तेरी महिमा युग युग से गाती ऋषियों की वाणी। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा, बरसा दो माँ कृपा। युग युग से बहते आए तेरी ममता के धारे, युग युग से बहते आए तेरी ममता के धारे, संतों के संग मैया तूने पापी भी है तारे, संतों के संग मैया तूने पापी भी है तारे। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा, बरसा दो माँ कृपा। भारत माँ की दिव्य आरती श्रद्धा से जोगावे, भारत माँ की दिव्य आरती श्रद्धा से जोगावे, अपने जीवन को जीते जी स्वर्ग सरीखा पावे, जीते जी स्वर्ग सरीखा पावे। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, बरसा दो माँ कृपा, बरसा दो माँ कृपा। भारत माता उतारे तेरी आरती, भारत माता उतारे तेरी आरती, माँ काली का कपालिनी, महिषासुरी मर्दिनी, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमः नमः। देवी सर्वभूतेषु सिद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमः नमः। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में ये याद रख लीजिए, नारे तो लगा रहे हैं पर आधा नारा तो हमको अच्छा लगता, आधे में काम में मजा। इसमें धर्म की, जब धर्म की जीवन अधर्म के नाश की क्या जरूरत है, मतलब ये पंगा काय को। पर ये याद रखना, अधर्म का अगर नाश नहीं हुआ तो धर्म की जय। हम राम में राम की पूजा करना चाहते लेकिन रावण की बुराई करना, अच्छा कोई काम करा ताली बजाना चाहते लेकिन बुरे काम वाले को गाली देना,
ये दोनों काम जरूरी हैं पूरी श्रद्धा से। जब आप जाएं तो आपको एक फार्म शायद पत्रिका के अंदर दिया हुआ है, जिनकी भी इच्छा होती बाद में क्या सहयोग कर सकते हैं, बाद में अगर और कुछ सहयोग नहीं कर सके एक सहयोग कर सके कि हाँ जब भी कभी ऐसा कार्यक्रम होगा राष्ट्रभक्ति का तो हम उसमें सहयोग करेंगे। सबसे बड़ा सहयोग कि वहां पर उपस्थित रहेंगे। जैसे कि हम कोई भी संकल्प लेते हैं, भाई हम देश के नाम पर संकल्प लेते हैं, तो अवश्य जाते समय जो आपको कार्ड दिया हुआ है उसमें फार्म में अपना नाम भरकर भेज सकते हैं। या कार्यक्रम कैसा लगा मैंने बताया, मेरा तो कार्यक्रम जो होता मेरे को समझ में, बाहर डब्बा रखा हुआ है तो उसमें सूचना पत्र देते जाए। और उसमें मैंने वो भी दिया है कि जैसे मैंने कार्यक्रम बनाया, मैंने राम का कार्यक्रम बताने की कोशिश की, लेकिन ये प्रोग्राम तो भविष्य में प्रोजेक्टर पर दिखाने लायक बने और मेरी उसमें आवश्यकता ना हो, यहीं के कलाकार मिलकर कर सकें, या ऐसे प्रोग्राम और कैसे हो सकते हैं, अच्छा साहित्य कैसे आ सके, राम का पूरा जीवन हम इतनी छोटी सी बुकलेट में कैसे निकाल सकें, या कैसे हम काम कर सकें, ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम है। तो ये जो कार्यक्रम किया आपको कैसा लगा, इसमें क्या सुधार हो सकता है, या इस प्रकार का कार्यक्रम में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, उसमें इसका जरा सा अंकित अवश्य कर दीजिएगा, आपका जरा सा सहयोग का आश्वासन, या उसमें जो आप साइन करके अपना पता लेकर जाएंगे, मोबाइल देकर जाएंगे, ईमेल उसमें लिखकर जाएंगे, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी, वो सबसे बड़ा आप लोगों की तरफ से हमारे लिए दान होगा। और वैसे वेबसाइट यहीं से मेरी बनती है, bharatbhakti.org, अगर सीधे भी कभी संपर्क करना चाहें तो। वैसे तो भारत भक्ति वाला वेबसाइट है baba@bharatbhakti.com, इस नाम से भी ईमेल कर सकते हैं, फोन यहाँ पर रहेगा। और मेरी आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ राजेश जी हैं, सुरेश जी हैं, या तमाम है, और जगदीश भाई साहब तो हैं, सिर्फ बाकी सब लोग जितने बैठे हुए हैं लगभग अंदर से संरक्षक बनने को तैयार। सत्यभूषण जी से पूछा नहीं था संरक्षक बनने के पहले, पर तैयार तो हो गए नहीं। ये तो टार्च है ना, एवर रेडी हमेशा काम के लिए। बोले हमसे तो प्रेम जी को मैंने पूछा, मैं इनकी प्रेम जी को पत्रिका निकाल रहा हूँ उसमें संरक्षक, बोले तुम चाहे जहाँ फंसा सकते हो। तो इनकी ऐसे भी लोग जो फंसने के लिए श्रद्धा से तैयार हो, और आखिर आप भी तो अगर फंस गए कि नहीं फंस गए 2 घंटे तक, तो जो भी फंसे हैं लेकिन श्रद्धा झूम कर एक बार भारत माता के नाम के धर्म के नाम का जयकार करें। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महादेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कुमापनीयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्य हाथ वे पावन पुनीत जो राम कार्य के हेतु बने, उनको श्री हरि का प्रेम मिला जो जन कल्याण के सेतु बने। हाँ, अभी बाबा के कुछ कार्यक्रम दिल्ली में और हैं, 15 तारीख को कल विश्वविद्यालय दिल्ली, कल दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट फैकल्टी में कार्यक्रम है, 15 को मुखर्जी नगर डॉक्टर मुखर्जी नगर में है, 16 को झिंझोली सूर्या फाउंडेशन में है। और अभी एक सूचना इसलिए और देना चाह रहा हूँ कि कार्यक्रम के बीच में ही कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भारत भक्ति संस्थान के ट्रस्टी के लिए क्या आपने उसका शुल्क रखा है, तो अभी हमने ऐसा कुछ मित्रों ने उसी बीच में ही विचार किया कि 51,000 इसकी ट्रस्टीशिप के लिए हम रख रहे हैं, और जब इसकी एक पर्याप्त संख्या होगी तब इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अभी 51,000 ट्रस्टीशिप के लिए हमने रखा है। और जो लोग इसके ट्रस्टी बनना चाहेंगे अभी बाद में इसकी जानकारी दे देंगे, पत्रक ले लेंगे। दूसरी सूचना है, जाने से पूर्व रामकथा के का जो प्रसाद है बाहर से सब लोग लेकर के जाएंगे, और कुछ बंधु जिन्होंने ट्रस्टीशिप या अतिरिक्त कुछ ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया है मैं उनको भी बाबा के साथ अभी लगे हाथ, संजीव गोयल जी जिन्होंने विशेष रुचि दिखाई पूछने की, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। संजीव गोयल जी ट्रस्टी बनने के लिए पूछ रहे थे, दिनेश गुप्ता जी, सुशील जी मातृभूमि जिनके यहाँ से पुस्तक का प्रकाशन हुआ वो भी हमारे मध्य में है, जिस कवि संगम की पुस्तक का उल्लेख किया उनका प्रकाशन सुशील जी मातृभूमि प्रिंटर्स, हाँ निमंत्रण कार्ड भी वहीं से बने हैं हमारे आज के कार्यक्रम के। श्री हंसराज जी हैदरपुर से हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को बच्चों को तैयार करते हैं जिम्नास्टिक और वेट लिफ्टिंग बॉडी बिल्डिंग के तौर पर, और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता इनके यहाँ से तैयार होते हैं हंसराज जी। हंसराज जी हैदरपुर में एक जिम चलाते हैं, लगभग 100 बच्चे हैं और वहाँ मॉडलिंग भी इनके यहाँ से तैयार होकर के जा रहे हैं बच्चे। श्री हेमंत गुप्ता जी जो हमारे भारत भक्ति संस्थान के कामों में सहयोग करते हैं, श्री सतीश गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी, राजीव अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी फरीदाबाद से आए हैं, ये सब बंधु एक बार मंच पर आकर के बाबा से सम्मान प्राप्त करके फिर जाएंगे। और ये जो अभी चित्र बनाए हैं बाबा ने, मैं एक एक चित्र लोगों को भेंट कर रहा हूँ। श्री अर्जुन कुमार जी,
बाबा की ओर से सप्रेम भेंट। श्री सत्यभूषण जी, अच्छा रमेश जी, श्री रमेश जी अग्रवाल पैकर्स मूवर्स। आइए रमेश जी, हनुमान जी का। हाँ, बीसी गुप्ता जी आइए। आइए, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब सरकार में हैं, बहुत वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। और किसको देना भाई? नंद किशोर जी आइए। ओके, बहुत राशन का काम है ना, ये चार ही है ना। अच्छा, श्री सत्येंद्र जैन जी परेड ग्राउंड की रामलीला से हमारे मध्य में है, आइए। एक अंग वस्त्र दो भैया। श्री सत्येंद्र जी, दिल्ली की बहुत बड़ी रामलीला है जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री भी आते हैं। मुझे बाबा को ये बात कहनी है, हमारी रामलीला के अंदर जो आपने अपने भाव रखे हैं, हमारे जो लीला मंत्री हैं वो खुद उसमें पार्ट प्ले करते हैं, जो हमारे घरों के बच्चे हैं वो राम लक्ष्मण बनते हैं और हनुमान जी की सेना में दाखिल होते हैं और सारे इसी तरीके से कार्य करते हैं जैसे आपने बताए। सत्येंद्र जी, एक बात आपने अधूरी छोड़ दी, आपने ये नहीं कहा बाबा जी को कि इस वर्ष की रामलीला के अंदर बाबा जी का कार्यक्रम वहां लाखों लोगों के बीच के अंदर होगा। लवकुश रामलीला कमेटी तो होगा ही, लेकिन परेड ग्राउंड की रामलीला में भी होगा, ये भी आप कहें। जैसा अर्जुन जी ने अभी मेरे को आदेश दिया, क्योंकि हमारी महासंघ रामलीला कमेटी के महामंत्री हैं, लवकुश में तो होगा ही होगा, और हमारी जो धार्मिक लीला कमेटी परेड ग्राउंड है उसके अंदर भी हम कराएंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच में भाई नरेश जी भी हैं जो कि शादरा रामलीला कमेटी से हैं, भोलानाथ नगर की। मैं नरेश जी से भी कहूंगा कि इस वर्ष बाबा का कार्यक्रम आपकी रामलीला कमेटी के अंदर भी होगा, आपके ही मुख से। श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर सबका रोड शादरा से मैं प्रधान हूं, और वो 1951 से रामलीला हो रही है, जब जमुनापार में पहली रामलीला होती थी तीन रामलों में। तो जैसा भाई अर्जुन जी ने हमारे आदेश दिया है, निश्चित रूप से बाबा जी का कार्यक्रम वो शादरा रामलीला के अंदर होगा। केवल एक बार मैं बीच में जो चूक गया था, मेरे साथ जितने कलाकार आए हैं मध्य प्रदेश से उनका पूरा उपयोग मैं नहीं कर पाया, लेकिन सभी से भरपूर तालियां बजाना चाहूंगा। मेरे साथ जो मित्र पूरे भारत से, मतलब बंबई से आए हुए हैं और इंदौर सभी से आए हैं, शेडोल मध्य प्रदेश से आए हुए श्री शैलन जी तिवारी, यशवंत जी वैष्णव देवास मध्य प्रदेश से, भाई साहब हाँ सबको, पंडित जितेंद्र जी शर्मा, किसी की भी कलाकारी दिखा नहीं पाया मैं, इसके लिए उनसे भी माफी चाहूंगा। श्री बाबूलाल जी वायलिन वाले, श्री प्रताप जी राव जो हारमोनियम प्ले कर रहे थे, श्री अनुरूप जी अग्रवाल कीबोर्ड वाले, श्री विजय जी शर्मा और कुमारी पिंकी विश्वास, और साथ में श्री विश्ववर्धन जी ग्वालियर से जो आए हुए हैं, और बाकी तो अच्छा सभी लोग आ जाइए एक बार, सब आ जाओ कलाकार लोग। एक जय किशन अग्रवाल जी से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया अभी भी मंच पर आए मान्य जय किशन जी। श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे जय किशन जी इतने कार्य करते हैं, श्री विष्णुगढ़ जी समाज का काम